नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो कि आप ही लोगों से हमारे पास आया है और उसका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और इसीलिए डॉक्टर पहला जानी हमारे साथ यहाँ पर हैं। डॉक्टर, जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे IVF के एपिसोड के बाद लोगों ने हमसे पूछा कि क्या IVF बहुत एक्सपेंसिव है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वॉट इज़ द ट्रूथ अबाउट इट? अगर हम लोग IVF की कॉस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो फिर वो कम ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन आजकल के टाइम में IVF एक विद इन द रीच ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत रीज़नेबल है। पहले का टाइम अलग था जब IVF क्लिनिक्स नहीं थे या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती थी, हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी, तब ये एक्सपेंसिव था। तो अगर हम लोग IVF की कॉस्ट के बारे में बात करें तो इसमें कॉस्ट इंक्लूडेड होती है वो ड्रग्स की, जिन्हें हम बोलते हैं गोनाडोट्रॉफिन्स, जिससे अच्छा, हम लोग ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं और फॉलिकल्स बनाते हैं। इसमें कॉस्ट इंक्लूडेड होती है एम्ब्रियोलॉजी लैब की, जिसमें एग्स और स्पर्म का हैंडलिंग होता है। इसमें अलग अलग टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करते हैं, या तो वो स्टैंडर्ड IVF होता है, ICSI होता है, IMSI होता है। इसमें कॉस्ट इंक्लूडेड होता है सोनोलॉजी, मतलब अल्ट्रासाउंड का, जो कि इसका एक असेंशियल पार्ट है। इसी के ज़रिए हम लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, इसी के ज़रिए हम लोग एग्स को रिट्रीव करते हैं, बाहर निकालते हैं, और इसी की हेल्प से एम्ब्रायो ट्रांसफ़र होता है। और एक फोर्थ कंपोनेंट होता है इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन का, जो कि आजकल के टाइम पे अल्ट्रासाउंड एडवांस होने की वजह से बहुत लिमिटेड हो गया है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को काउंट करें तो डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम लोग IVF के खर्चे को एक जर्नलाइज नहीं कर सकते कि इंडिविजुअलाइज हाँ ट्रीटमेंट है, तो खर्चा भी इंडिविजुअलाइज होगा। अच्छा, अलग अलग क्लिनिक्स के खर्चे अलग 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 हो होते सकते हैं। तो हैं। मैं यहाँ बात कर सकती हूँ कि अपने क्लिनिक की, यानी हाँ कि पहला जानी IVF की, जहाँ पे ये खर्चा 65,000 से लेकर के 1,10,000 तक का हो सकता है, क्योंकि विच कभी इज वेरी खर्चे अफोर्डेबल आई थिंक। वेरी अफोर्डेबल, और इसमें वो वाले खर्चे भी इंक्लूडेड हैं। एक्सट्रीम केसेस में हमने ये देखा है कि अगर किसी के एग्स नहीं बन रहे हैं तो हमें एक थर्ड पार्टी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, एग्स अच्छा लेना पड़ रहा है या स्पर्म लेना पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में खर्चा टुवर्ड्स 1,10,000 चला जाता है। अदरवाइज अगर ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो 65 to 90,000 के बीच में ये सब खर्चे मिला करके IVF एक बहुत इजीली अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हो जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी किसी को ज़रूरत पड़ती हैं, इसलिए उसको हम इसमें नहीं काउंट कर सकते, जैसे फ्रीजिंग के एक्सपेंसेस हो गए अच्छा या कोई ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र या लेज़र असिस्टेड हैचिंग। बहुत लिमिटेड केसेस रहते हैं जिसमें अगर स्पेशल आप केसेस यू चाहें, कैन कॉल हाँ, वी कैन देम। कॉल देम स्पेशल केसेस, और ये वो खर्चे हैं जो हम शायद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसके बिना भी IVF आगे बढ़ा करके हम लोग ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत सो ही इट रियली अफोर्डेबल डिपेंड्स ऑन यू, रीजनेबल ऑन ट्रीटमेंट योर है। कंडीशन, दैट आपको कितना खर्चा आएगा और ऑल्सो कि आप कहाँ इलाज करा कहाँ रहे हैं। इलाज करा रहे हैं? तो अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर हमसे पूछिएगा और साथ ही साथ हमको सब्सक्राइब कीजिएगा। देखा आपने कि IVF उतना भी महंगा नहीं है, अगर आप सही जगह से ट्रीटमेंट कराएं और अगर आपकी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, सो इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में वो सवाल बिल्कुल लिख सकते हैं। आप हमको लाइक कीजिएगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।